बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपकी समाअतों की नज़र हज़रत शेख साती की एक और सबक आमोज़ और तारीखी हिकायत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हज़रत शेख साती रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक बादशाह अपने घोड़े पर सवार था। वो घोड़ा किसी वजह से भिदक गया और बादशाह सर के बल नीचे गिर पड़ा। बादशाह की गर्दन की हड्डी के मोहरे सिरक गए और वो गर्दन को हिलाने से कासिर हो गया। शाही तबीबों ने बहुत कोशिश की कि बादशाह की गर्दन के मोहरे वापस अपनी जगह पर बैठ जाएं, मगर वो नाकाम रहे। इस दौरान मुल्क यूनान का एक तबीब उस बादशाह के मुल्क में आया। उसने अपनी काबिलियत की बिना पर बादशाह का इलाज किया और बादशाह की गर्दन के मोहरे अपनी जगह पर बैठ गए। बादशाह के इलाज के बाद वो यूनानी तबीब अपने मुल्क वापस लौट गया। कुछ अरसा बाद वो यूनानी तबीब दोबारा उस बादशाह के मुल्क आया और बादशाह की खिदमत में भी सलाम के लिए हाजिर हुआ। बादशाह के लिए लाजिम था कि वो उस तबीब की आओ भगत करता और उसके साथ इज्जत से पेश आता, मगर वो बादशाह उस तबीब के साथ ऐसा बर्ताव करता रहा जैसे उसे जानता ही ना था। वो तबीब इस बेरुखी पर दिल बर्दाश्ता हो गया और बादशाह के दरबार से वापस लौट गया। उस तबीब ने बादशाह के दरबार से वापस आने के बाद अपने एक गुलाम को कुछ बीज दिए और कहा कि तुम ये बीज बादशाह के पास ले जाओ और उससे कहो कि ये बीज यूनानी तबीब ने दिए हैं। उन्हें दहकते हुए अंगारों पर डालकर उनका धुआं लोगे तो तुम्हें बेहद फायदा होगा। वो गुलाम उन बीजों को लेकर बादशाह के पास गया और यूनानी तबीब के कहने के मुताबिक बादशाह को उन बीजों की अफादियत से आगाह किया। बादशाह ने फौरन आग जलाने का हुक्म दिया और उस आग में वो बीज डालकर उनका धुआं लिया। जब बादशाह को धुआं लगा तो उसने एक जोरदार छींक मारी और फिर उसकी गर्दन के मोहरे अपनी जगह से सिरक गए। बादशाह इस सूरत हाल से बड़ा परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि यूनानी तबीब को ढूंढ कर मेरे पास लाया जाए। बादशाह का हुक्म मिलते ही शाही प्यादे इस यूनानी तबीब की तलाश में निकले, लेकिन वो तबीब ना मिला। नतीजतन उस मगरूर बादशाह की गर्दन के मोहरे दोबारा अपनी जगह से हिल गए और उसकी गर्दन ठीक ना हो सकी। दोस्तों, हजरत शेख सादी इस हिकायत में बयान करते हैं कि अगर किसी ने आपके साथ भलाई की हो तो उसके साथ भी भलाई से पेश आना चाहिए और यही शराफत की दलील है। अपने मोहसन के एहसान को भूल जाना और उसकी नेकी को याद ना रखना इंतहाई घटिया लोगों की निशानी है। अगर कोई शख्स सांप के साथ एहसान करे तो उसके एहसान को मानना भी चाहिए। इसी के साथ आपका मेज़बान इजाज़त चाहता है। इस तरह के मजीद कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।